बच्चों, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी खनिज पर। खनिज में भी खनिज क्या हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका दोहन जो है वो कैसे किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो खनिज हमारे भूगर्भ पर पाए जाते हैं, इनकी बनावट में हमें बहुत अंतर देखने को मिलता है, इनकी विशेषताओं में, गुण में, इनकी संरचना में। और इस पर भी हमने चर्चा की थी कि ये अंतर क्यों होता है, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जिस समय पर वो खनिज का निर्माण हुआ था, और इसके साथ ही साथ उस स्थान की जलवायु कैसी थी, ये सब का प्रभाव जो है वो उस स्थान के खनिज पर पड़ता है। और इसी आधार पर उसके गुणधर्म में, उसकी संरचना में हमको अंतर भी देखने को मिलता है। तो आइए इसी संरचना और गुणधर्म के आधार पर इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो संरचना के आधार पर हम देखेंगे खनिज जो है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के मिलते हैं। पहला है धात्विक, दूसरा अधात्विक और तीसरा ऊर्जा खनिज। बच्चों, धात्विक खनिज से आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश होता है उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज मतलब ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता वो अधात्विक खनिज कहे जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि धात्विक खनिज में भी दो प्रकार हैं, पहला लौह धातु और दूसरा अलौह धातु। लौह धातु मतलब जिसमें लोहे का अंश पाया जाएगा, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे खनिज, तो लौह अयस्क है, इसके बाद मैग्नीज देख लेते हैं हम, कोबाल्ट है, ये ऐसे खनिज हैं जिसमें लोहे का अंश जो है वो मिलता है। इसके बाद हम अलौह धातु पर चर्चा कर लें, तो जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता वो अलौह धातु हो गया। अब ये कौन कौन से होंगे, जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट, ये सभी जो खनिज हैं ये आपके अलौह धातु के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता वो हो जाएंगे आपके अभ्रक है, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, ये सभी जो हैं वो आपके अधात्विक खनिज के उदाहरण होंगे। उसके बाद हमने कहा कि ऊर्जा खनिज, तो ऐसे खनिज जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वे सभी आपके ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब वो आपको तो पता ही होगा, आप घरों में कोयला जलाते हैं और चूल्हे में जो ग्रामीण क्षेत्र के या ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा, जो खाना बनाने के लिए घरों में चूल्हे का, सिगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपका कोयला जो है वो प्रयोग किया जाता है। और कोयला जलाने से आग जलती है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आपके कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आप अपनी व्हीकल को, गाड़ी को चलाते हैं, और प्राकृतिक गैस। अब तो सभी घरों में हमको चूल्हे की जगह गैस स्टोव का इस्तेमाल लोग जो है वो करते हैं, और ये हमें देखने को मिलता है कि प्रायः सभी घरों में अब गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का। तो ये तीन जो है, और इसके अलावा और भी जो है परमाणु खनिज जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये कुछ उदाहरण हैं आपके ऊर्जा खनिज के अंतर्गत। बच्चों, हमारा पूरा भारत जो है वो बहुत ही अच्छे और विभिन्न प्रकार के खनिजों के दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न है। यहाँ पर अथाह हम कह सकते हैं कि खनिज संपदा, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन जो है वो उपलब्ध हैं। लेकिन ये जो खनिज और ऊर्जा संसाधन हमारे भारत के भूगर्भ में छिपे हुए हैं, उसमें दबे पड़े हैं, जिनका बहुत सारे खनिज ऐसे हैं, ऊर्जा संसाधन है जिनका हमने इस्तेमाल कर लिया है, इस्तेमाल करना सीख लिया है, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे खनिज अभी भी हैं जिनका इस्तेमाल अभी करना बाकी है। तो इनका भी जो हम देखें कि वर्गीकरण जो उपलब्ध है हमारे देश में, जितने भी खनिज और ऊर्जा संसाधन, इनका वितरण जो है वो पूरे देश में लगभग हमको असमान सा दिखने को मिलता है।
मतलब कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे भारत की भूमि पर सभी जगह एक समान खनिज और ऊर्जा संसाधन, जो अलग अलग प्रकार के खनिज और ऊर्जा संसाधन हैं, वो एक समान वितरित हैं। इनका वितरण हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो इसी पे हम देख लेते हैं, जैसे हम आ जाएं अपने प्रायद्वीपीय पठार, और हमको पता है भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो बहुत ही प्राचीन भूखंड है, सबसे प्राचीन भूखंड है। और इसमें हम देखेंगे कि जितने भी प्रकार के जो अलौह और लौह धातु या धात्विक और अधात्विक खनिज की हम बात कर रहे हैं, इन सभी के दृष्टिकोण से ये संपन्न है। मतलब जितने भी अधिकांश तया जो धात्विक और अधात्विक खनिज की हम बात कर रहे हैं, धात्विक में भी लौह और अलौह धातु की बात कर रहे हैं, इन सभी के दृष्टिकोण से हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक संपन्न क्षेत्र है। इसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी और पश्चिमी छोर है या पश्चिमी किनारा है, इसमें भी हम देखें कि गुजरात और असम, ये दोनों की जो तलछटी चट्टाने हैं, इसमें अधिकांशतः जो खनिज तेल है वो वहाँ पर उसके भंडार हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार प्रायः पूरे धात्विक अधात्विक खनिजों में, और उसका प्रायद्वीपीय पठार के यदि हम पूर्वी और पश्चिमी छोर पे जा रहे हैं तो गुजरात, असम, मुंबई का जो तट है, ये सभी खनिज तेल के दृष्टिकोण से संपन्न क्षेत्र हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान, जहाँ पर विशाल थार का मरुस्थल है और एक शुष्क क्षेत्र है। जब हम राजस्थान में आते हैं तो हम देखेंगे कि राजस्थान जो है वो तांबा और अनेक प्रकार के जो अलौह खनिज हैं उसके दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न राज्य है। हाँ, अब हम जैसे ही अपने हिमालय के दक्षिण में जो हमारा विस्तृत, जो हम कहें बहुत ही विशाल फैले रूप में जो मैदान है, विस्तृत जलोढ़ मैदान की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये यहाँ पर खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से उतना संपन्न नहीं है। लेकिन दूसरे क्षेत्र में जो है ये दूसरे क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत संपन्न है। और वो किस दृष्टि से, हम देखेंगे कि जितनी भी हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं उन्होंने लाकर अपने अवसाद यहां पर जमा किए हैं, और जलोढ़ निक्षेप के जमाव से हम देखेंगे कि ये बहुत ही उपजाऊ भूमि है। और इसीलिए इस पूरे विस्तृत मैदान में हम देखेंगे कि ये कृषि के दृष्टिकोण से एक बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। तो ये हमने बात कर ली कि खनिजों का वर्गीकरण क्या है, इसके साथ ही भारत में इसका वितरण कहाँ पर और कैसे मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं, जो हमने वर्गीकरण देखा उसमें एक एक करके हर वर्गीकरण पर हम एक विस्तृत चर्चा करते हैं। तो पहले हम देखते हैं लौह खनिज। लौह खनिज की जब हम बात करते हैं तो जितने भी लौह खनिज जो हैं वो धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य का लगभग 3/4 भाग का योगदान देते हैं। जितने भी लौह खनिज हैं हमारे भारत में, वो हम देखेंगे कि धात्विक खनिज की हम बात की थी, धात्विक खनिज में भी हमने देखा था कि लौह खनिज और अलौह खनिज, तो जो लौह खनिज का योगदान है वो पूरे धात्विक खनिजों के का जितना भी उत्पादन होता होगा उस कुल उत्पादन मूल्य का लगभग 3/4 भाग योगदान सिर्फ लौह खनिज का ही होता है। इसके बाद हम देखेंगे भारत जो है वो अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इतना उत्पादन करता है कि जितने भी हमारे भारत के भूभाग में जो जनसंख्या निवास कर रही है उनकी डिमांड तो वो पूरी करता ही है। और इस मांग की पूर्ति के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में ये लौह खनिजों का या धात्विक खनिजों का दूसरे देशों को निर्यात भी करता है, इतना उत्पादन हमारे भारत में होता है। और हमने पहले भी चर्चा की है कि जो हमारा भारत है वो खनिज और ऊर्जा संसाधन के दृष्टिकोण से एक बहुत ही संपन्न देश है, चाहे हम धात्विक खनिज की बात करें, हम अधात्विक खनिज की बात करें, या हम ऊर्जा संसाधन की, विपुल भंडार जो है वो हमारे भारत देश में उपस्थित है। आइए अब हम जितने भी खनिज हैं, चाहे वो धात्विक खनिज हो या अधात्विक खनिज हो या ऊर्जा खनिज की जो हमने बात की थी, इन सभी पर विस्तार से एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क आयरन ओर। बच्चों, हम सभी को पता है कि लौह अयस्क जो है
वो आधुनिक जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और यदि हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो हम आधुनिक विकास कर रहे हैं, इस आधुनिक विकास का आधार ही जो है वो हमारा लौह अयस्क या आयरन ओर है। अगर हम अपने सामान्य दिनचर्या में एक नज़र दौड़ाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि लौह अयस्क हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने कहा कि हमारे आधुनिक विकास का जो आधार है वही लौह अयस्क है, वो इसलिए कि चाहे हम अपने घरेलू आवश्यकताओं में या घरेलू उपयोग में हम देखें, एक छोटी सी सुई से लेकर अपने बर्तनों, मतलब प्रत्येक चीज़ पर है ना। और साथ ही हम नज़र दौड़ाएं कि जो हमारे हमारी दैनिक आर्थिक जो आवश्यकता है उसमें हम जो कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि कार्य में जो हम उपयोग कर रहे हैं औजारों का, उपकरणों का, इनकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि बिना लौह अयस्क के संभव हो सकता है। फिर चाहे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर रहे हों और वो परिवहन का जो भी साधन हो, चाहे हम सड़क मार्ग से परिवहन करें या हम रेल यातायात के माध्यम से परिवहन करें या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं या हम वायु मार्ग से जाएं, किसी भी साधन से हम जाएं, सभी के लिए हमारे लिए जो लौह अयस्क है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और इसके बिना हम अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकते। फिर चाहे हम उद्योगों की ही बात कर लें, जो हम बोल रहे हैं कि आधुनिक जो युग है वो औद्योगिकरण का युग है और हम लगातार औद्योगिकरण पर बात करते हैं, तो उद्योग में जो भी मशीनें या उपकरण जो लगाए जाएंगे, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी एक औजार या उपकरण या जो मशीन है वो बिना लौह अयस्क के संभव हो सकती है? नहीं। इसी पर हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है यहाँ पर लौह अयस्क के बहुत विपुल भंडार हैं, और ये जो भंडार हैं हम ये देखेंगे कि उत्तम कोटि का जो अच्छे किस्म का लौह अयस्क जो है वो हमारे भारत देश में उपलब्ध है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब ये कच्चा लोहा होता है, जो लौह अयस्क हम धरातल से या भूगर्भ से प्राप्त करते हैं, इस कच्चे लोहे को हम अन्य धातुओं के साथ मिलाकर इसकी जो मजबूती है और इसका जो कड़ापन है इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो लौह अयस्क है जब इसको भूगर्भ से निकाला जाता है तो ये शुद्ध रूप में नहीं होता है, ये अशुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। जो लौह अयस्क है जब इसे धरातल से या भूगर्भ से निकाला जाता है तो इसके साथ बहुत सारे अन्य खनिज जो हैं वो मिले हुए होते हैं, अशुद्ध रूप में होता है। जैसे हम बात कर लें फास्फोरस की, सिलिका, गंधक, चूना, ये सारे जो अन्य खनिज हैं कुछ उसके साथ मिले हुए रूप में होते हैं, मिश्रित रूप में होते हैं। इसके बाद जब इसे धरातल से निकाला जाता है तो निकालने के बाद जो केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा इस लौह अयस्क को अन्य खनिजों से या अन्य धातुओं से अलग किया जाता है। अब हम बात करते हैं लौह अयस्क के प्रकार। अभी तो हमने देखा कि लौह अयस्क कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, अब हम देखते हैं कि प्रकार, इसमें जो धातु का अंश होता है, इस धातु के अंश के आधार पर हम देखेंगे कि इसके कई प्रकार हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे सबसे जो उत्तम कोटि का लौह अयस्क है वो मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क जो है इसमें 70% तक, 70 और लगभग 72% तक भी हम कह सकते हैं कि लोहे का अंश पाया जाता है। और ये जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क है इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक चुंबकीय गुण भी देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरे किस्म का है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो मैग्नेटाइट से इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाती, निम्न कोटि का लौह अयस्क इसको समझा जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइट से थोड़ा सा कम धातु का अंश, लोहे का अंश मिलता है। और इसमें हम देखेंगे कि लगभग 50-60% तक लोहांश की मात्रा, लोहे का जो अंश है वो मिलता है। फिर तीसरा प्रकार हम देखेंगे लिमोनाइट। लिमोनाइट में हम देखेंगे कि लगभग 40-50% तक लोहांश की मात्रा मिलती है, और सबसे लो क्वालिटी का या निम्न किस्म का जो लौह अयस्क है वो है आपका सीडेराइट। तो सीडेराइट में हम देखेंगे कि 40% से भी
कम जो है वो लोहांश की मात्रा मिलती है। हम वर्ष 2018-19 की बात करें तो हम देखेंगे कि लौह अयस्क का जितना भी उत्पादन था, पूरे उत्पादन का लगभग 97% 97% जो है वो आपके इन चार राज्यों से ही प्राप्त किया गया, जैसे ओडिशा है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। ये चार राज्य मिलकर जो है वो पूरे देश का 97% लौह अयस्क उत्पादित किया था इन्होंने, या उत्पादन में इनका इन राज्यों का योगदान था। और जो शेष 3% था, ये 3% में जो अन्य राज्यों में जो कुछ मात्रा मिलती है लौह अयस्क की, उनके द्वारा उत्पादन किया गया। अब हम देखेंगे कि भारत में जो लौह अयस्क की कुछ पेटियां मिलती हैं एक बेल्ट के रूप में, जहां पर जो क्षेत्र हम कह सकते हैं कि लौह अयस्क के दृष्टिकोण से एक संपन्न क्षेत्र है, तो ये एक बेल्ट के रूप में फैले हुए हैं। तो आइए इस पर हम बात कर लें। हमको चार बेल्ट जो हैं वो देश में लौह अयस्क के मिलते हैं, या लौह अयस्क की चार पेटियां देखने को मिलती हैं। पहला है आपका ओडिशा झारखंड पेटी, दूसरा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, इसके बाद हम देखें बल्लारी चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर तुमरुरु जो पेटी है, इसके बाद चौथी पेटी जो है वो महाराष्ट्र गोवा पेटी है। तो इन चारों पेटियों पर हम एक एक करके बात कर लें। पहला हमने देखा ओडिशा झारखंड पेटी, और ओडिशा और झारखंड दो ऐसे राज्य जिसमें हमने अभी कहा था कि पूरे देश का जो 97% है उसमें इन दो राज्यों का भी हिस्सा है लौह अयस्क के उत्पादन पर। ये पेटी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो उत्तम कोटि का लौह अयस्क है, हेमेटाइट अयस्क, ये उत्पादन की जाती है इस पेटी में। और यहाँ हम देखेंगे कि ओडिशा का जो मयूरभंज और केंदुझर जिला है, यहाँ और बादाम पहाड़ की खदान से प्राप्त किया जाता है ओडिशा में। और झारखंड का जो सिंहभूम जिला है, वहाँ पर गुआ और नोआ मंडी से ये लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। दूसरी पेटी की हम बात करते हैं, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, आपको पता होगा। तो हम ये देखेंगे कि ये पेटी जो है वो आपके छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैली हुई है। इस पेटी के अंतर्गत यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बैलाडीला पहाड़ी में बहुत ही उच्च श्रेणी का, उत्तम किस्म का जो लौह अयस्क का निक्षेप है वो देखने को मिलता है। और यहाँ हम देखेंगे कि जो जो गुणवत्ता यहाँ के बैलाडीला पहाड़ी में लौह अयस्क की मिलती है ये उत्तम कोटि की है। और हम ये कहें कि ये पूरे उत्तम कोटि के जो ऐसे लौह अयस्क हैं, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में इसके 14 जमाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और जिसमें इन जितने भी 14 निक्षेप या 14 जमावों की हम बात कर रहे हैं बैलाडीला पहाड़ी वाले क्षेत्र में, तो हम देखेंगे कि इन पूरे क्षेत्र में जो मिलने वाला लौह अयस्क है उसमें इस्पात बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है भौतिक गुण हमको देखने को मिलता है। अब इन खदानों का जो लौह अयस्क है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। हम सभी को पता है जितना भी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो उत्पादन हो रहा है लौह अयस्क का, वो वहाँ से विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में लगभग 26,476 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं। और ये भंडार जो हैं वो देश का लगभग 18.67% है। मतलब यदि हम देश के कुल उत्पादन या कुल भंडार की बात करें कि 100% है देश का कुल भंडार लौह अयस्क का, तो उसका 18.67% जो है वो अकेले छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। अब राज्य में दंतेवाड़ा और बस्तर के अलावा हम देखें कि बस्तर और दंतेवाड़ा में तो इसके प्रमुख निक्षेप हैं ही, जहां पर उत्तम कोटि का लौह अयस्क देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ दुर्ग में कांकेर और राजनांदगांव में भी हम देखेंगे कि लौह अयस्क के भंडार जो हैं वो संचित भंडार देखने को मिलते हैं। तीसरा जो हमने बात की थी कि बल्लारी चित्रदुर्ग और
चिकमंगलूर पेटी। ये जो पेटी है कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक की इस पेटी में हम देखेंगे कि लौह अयस्क के यहाँ पर भी विशाल भंडार संचित देखने को मिलते हैं। और कर्नाटक का जो कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट में कुद्रेमुख की खान में 100% जो कुद्रेमुख की खदान में जो लौह अयस्क का उत्पादन है वो हम ये कह सकते हैं कि 100% निर्यात इकाई है। मतलब जितना भी वहाँ पर उत्पादन होता है उस सभी को निर्यात कर दिया जाता है, दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। और ये कुद्रेमुख की जो खदान है ये विश्व के सबसे बड़े निक्षेपों में से, सबसे बड़े लौह अयस्क के भंडारों में से एक माना जाता है। और यहाँ से लोहे का जो कर्दम रूप में, इसको कर्दम रूप में मतलब उसका जो सॉलिड होता है लौह अयस्क उसको लिक्विड फॉर्म में बदल कर, जिसको हम बोलते हैं कर्दम या स्लरी रूप में, पाइपलाइन के द्वारा बंदरगाह से भेजा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे दंतेवाड़ा से भी, दंतेवाड़ा विशाखापट्टनम स्लरी लाइन है, और यहाँ भी इस क्षेत्र के भी जो दंतेवाड़ा में जो लौह अयस्क होता है इसको भी कर्दम रूप में बदलकर विशाखापट्टनम बंदरगाह तक एक पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। और चौथी पेटी हम देखते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी जो है ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है हमको कि महाराष्ट्र और गोवा राज्य में फैली हुई है। और ये जो पेटी है वो गोवा के साथ हम महाराष्ट्र राज्य का जो रत्नागिरी जिला है, इस रत्नागिरी जिले में स्थित है। यहाँ उत्तम किस्म का यहाँ पर भी हमको लोहा देखने को मिलता है। और यहाँ का जो लोहा है वो मर्मा गोवा बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो ये हो गई बात लौह अयस्क की। हमने देखा कि कितने प्रकार होते हैं, कौन अयस्क कौन कौन से हैं, क्या क्वालिटी होती है इनकी, और हमारे देश में किन पेटियों में इन लौह अयस्क का वितरण देखने को मिलता है। अब हम अगले खनिज की बात करते हैं, मैग्नीज। बच्चों मैग्नीज जो है ये मैग्नीज का मुख्य उपयोग हमें पता है कि लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है, जहाँ पर इसको लोहे के साथ मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। हमने भी पहले भी चर्चा की थी ना, जब हम लौह अयस्क के संदर्भ में बात कर रहे थे तो, कि लौह अयस्क की जो मजबूती है और उसका जो कड़ापन है उसको और अन्य खनिज मिलाकर बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया जाता है। तो उसी में से एक जो है वो प्रमुख मैग्नीज है। तो इसीलिए जब इसको लौह अयस्क के साथ मिलाकर इस्पात को और कड़ेपन या मजबूती देने के लिए तैयार किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रमुख उपयोग जो है वो आपके लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। एक टन इस्पात बनाया जाता है, उसमें एक टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। और इसका उपयोग लौह इस्पात उद्योग के अलावा जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, कीटनाशक दवाएं हैं या पेंट बनाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2018-19 के अनुसार यदि हम मैग्नीज उत्पादन में भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उनका योगदान देखें कि मध्य प्रदेश जो है उसका जो योगदान था वो 33% का था, महाराष्ट्र 27%, ओडिशा 16%, कर्नाटक जो है वो 12%, और आंध्र प्रदेश का जो प्रतिशत था वो 10% था, और शेष जो 2% है उसमें अन्य राज्यों का योगदान था। मैग्नीज इस्पात का जो प्रयोग है वो क्रशर जैसी मशीन जो है वो बनाने में होता है। क्रशर से क्या करते हैं, चट्टानों को पीस कर अलग अलग कर लिया जाता है और अलग अलग करके उसमें गिट्टी का रूप दिया जाता है उसे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अभी हमने बात की थी कि कीटनाशक दवाओं को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, पेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसका प्रमुख उपयोग जो है वो कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, प्लास्टिक फर्श के जो टाइल्स हैं, ग्लास वार्निश, और इसके साथ ही शुष्क बैटरी बनाने में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। भारत में यदि हम देखें मैग्नीज का जो कुल अनुमानित भंडार था 43 करोड़ टन जो है वो मैग्नीज के अनुमानित भंडार हैं। और सर्वाधिक भंडार अभी हमने देखा भी ग्राफ में आपका ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है।
यदि हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 516.66 मिलियन टन जो है वो उत्तम कोटि का मैग्नीज एस्क का भंडार मिलता है। और बिलासपुर जिले के अलावा हम देखेंगे मुलमुला है, सेमरा, कोलिहा टोला, यहाँ भी मैग्नीज एस्क के जमाव मिलते हैं।